लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वही रोडवेज कर्मचारियों से परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपील की है। उनका कहना है कि बातचीत से निकलेगा समाधान, हरियाणा सरकार कर्मचारियों के साथ है, बसों को ना रोकें। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पूरे प्रदेश भर में आज हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने रात 12 बजे से ही हड़ताल जारी की हुई है। ऐसे में अब परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले पर बातचीत से समाधान निकलेगा, हड़ताल किसी भी बात का हल नहीं होती। तो वही उन्होंने ये भी कहा है कि बसों को ना रोकें कर्मचारी। 5 बजे हमने सभी कर्मचारियों की यूनियन के लोगों की मीटिंग बुलाई है और दुखद घटना है कि जिस तरह से अम्बाला में हमारे ड्राइवर की जो मौत हुई है और जो जानकारी मिली, तीनों जो दोषी थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जो भी कार्रवाई सख्ती के साथ करेंगे, जो भी और लोग हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने का काम करेंगे। पर मेरी विनती है सभी कर्मचारियों से और रोडवेज के सभी साथियों से कि भी चक्का जाम ना करें। आज त्यौहार भी है, आज बहन भाई का त्यौहार है और छठ पूजा भी है, लोग आना जाना दूसरे प्रदेश समझो कि चक्का जाम ना करें और इसका रास्ता निकालें। जो भी जायज़ मत होगी और माननीय मुख्यमंत्री से लेकर हम पूरी मदद करेंगे और जो भी कर्मचारी का हक उसे देने का हम काम करेंगे। तो कर्मचारी यूनियंस के साथ अधिकारियों के भी सभी साथ रहेंगे मीटिंग में, क्या कोई फैसला, क्या कुछ मांगे रहने वाली हैं इनकी? कुछ नहीं, जो भी इनकी डिमांड है, जो अधिकारी भी रहेंगे और कर्मचारी भी रहेंगे, यूनियन के नेता मैं भी रहूँगा, कि जो भी उनकी डिमांड है कि उसकी भी शहीद का दर्जा देना चाहिए, 50 लाख की सरकारी नौकरी की उन्होंने बात की है, जो जायज होगा जो कानून के तहत है वो मत करेंगे। और उस मत में, और मैं तो कहता हूँ, हरियाणा रोडवेज हमारे कर्मचारी अपना परिवार है, हमारे अपने लोग हैं,